वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एनवायरमेंटल साइंस की थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट आज ख़त्म करेंगे। दोस्तों पता है क्या हुआ, आज बड़ा अच्छा मज़ा आया कि मेरी बेटी मेरे पास ना कुछ सुनवाने के लिए आई कि पापा इसमें से मेरे से कुछ सुन लो, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने उससे वही सुना उसके सिलेबस में। शी इज़ इन सेवन स्टैंडर्ड और वो मुझसे वो डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में ये सब चीज़ें मैं उससे पूछ रहा था कि वहाँ पे कौन से प्लांट होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आई वाज सो सरप्राइजिंग टू सी कि देखो, हम लोग आज की डेट में अगर आप ग्रेजुएशन टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ें हैं जो आपने सेवन्थ एट नाइन्थ में पढ़ी थी कभी, मतलब सिलेबस का पार्ट था हमारे। और आज हम उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ रहे हैं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को समझ में आता है कि उस समय हमने पढ़ाई करी लेकिन आज हमें अवेयरनेस लेनी है, आज हमें वो काम करना है दुनिया में जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ और अपनी आने वाली जनरेशन को वो दे पाएँ जो हमें मिला है और हम आगे दे सकते हैं, बल्कि कोशिश ये करनी है कि हम उसको और अच्छा करके आगे दे पाएँ। तो सिर्फ फल और पौधे ही नहीं देने, हमने उनको अच्छे जीव जंतु भी देने हैं। कल को हमारे बच्चे ये ना पूछे कि टाइगर क्या होता है, ठीक है, उनको दिखना चाहिए सब। तो दोस्तों हमने कल की क्लास में जो हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने कवर किया था 3.7 में इंट्रोडक्शन, टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, और जिसमें हमने कंप्लीट किया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम। आज हमें तीनों चीज़ खत्म करनी है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड जहाँ घास की बातें होती हैं, डेजर्ट जहाँ पे हम थार जैसे सहारा वगैरह नाम सुनेंगे उसकी बात करते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है पानी से रिलेटेड, जिसमें पॉन्ड आते हैं, लेक आते हैं, स्ट्रीम, रिवर, एस्टुरियस, ओशंस। इस चैप्टर में क्या होगा, इस पॉन्ड के बारे में अलग, लेक के बारे में अलग, स्ट्रीम के बारे में अलग, रिवर्स के बारे में अलग, एस्टुरियस के बारे में अलग, ओशंस के बारे में अलग अलग इकोसिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा फास्टर लेके आता हूँ उस वाले कर्सर पे जहाँ पे हमें शुरू करना है, जहाँ हमने लास्ट क्लास को रोका था। आई थिंक पेज नंबर वॉज 23 और समथिंग, एक सेकेंड लेके आते हैं। यस, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट के अंदर हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ ली थी, और मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि एक चार्ट था ये वाला, हिमालयन कैनिफर्स, हिमालयन ब्रॉड लीव्ड, एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट, डेसिडियस ड्राई, ये सब चीज़ें आपको इस चार्ट के हिसाब से पढ़नी है, देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। चलिए अब आते हैं आगे कहानी पे, जिसका नाम है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चलिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होती है, ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रास क्या होता है, घास, पता है आपको, घास होती है, हरी हरी घास होती है। अ वाइड रेंज ऑफ लैंडस्केप इन विच द वेजिटेशन इज मेनली फॉर्म्ड बाय ग्रासेस एंड स्मॉल एनुअल प्लांट्स। एनुअल मतलब सालाना प्लांट्स होते हैं, कभी उगते हैं कभी नहीं उगते हैं, एंड अडेप्टेड टू इंडियाज वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन। दीज फॉर्म अ वेराइटी ऑफ ग्रास लैंड इकोसिस्टम विद देयर स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता क्या है, ग्रास लैंड कवर्स एरिया वेयर रेनफॉल इज यूजली लो एंड और द सॉयल डेप्थ एंड क्वालिटी इज पुअर। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी होगी या रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ तो पेड़ उगेंगे ना बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे पेड़ बड़े बड़े नहीं उगते हैं, यहाँ पर घास उगती है, छोटी छोटी घास, है ना। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूँ, आपने देखा है जिसके सर पे बहुत अच्छे बाल होते हैं, पूरा पूरा बाल होते हैं, लेकिन अगर वो कोई गंजा होके आता है ना, तो थोड़े दिन के बाद उसके सर पे छोटे 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 बाल उग रहे होते हैं, देख रहे हैं, वो छोटे छोटे कांटे वाले, वो कांटे ना समझ के सोचो, ये ज़मीन है हमारी, सॉइल अच्छी नहीं है तो हमारे पास छोटे 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 बाल उग रहे हैं, लेकिन अगर सॉइल अच्छी है, अच्छी उसको पोषण मिला हुआ है, न्यूट्रिशन मिला हुआ है, तो बड़े बड़े बाल उगते हैं, ठीक है। द लो रेनफॉल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, झाड़ भी बनती है इनमें, बट इज सफिशियंट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्रास कवर ड्यूरिंग द मानसून। नाउ मैनी ऑफ द ग्रासेज एंड अदर स्मॉल हर्ब्स बिकम ड्राई एंड द पार्ट अबव द ग्राउंड ड्राइज ड्यूरिंग द समर मंथ। और गर्मी आते के साथ क्या होता है, ये सारी घास सूख जाती है और अल्टीमेटली वो सारे प्लांट मर जाते हैं। चलिए, अ वराइटी ऑफ ग्रासेज, हर्ब्स, सेवरल स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स हैव इवॉल्व्ड सो दैट दे आर एडेप्टेड टू दीज वाइड ओपन ग्रास कवर्ड एरियाज। तो जितने भी चीज़ें होंगी जो हमारा घास से ढका हुआ है सारा का सारा मैदान, उसमें हमें हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब वगैरह भी मिलती है। नाउ अब होता क्या है, आदमी ने इसको भी नहीं छोड़ा, मैन बिगेन टू यूज दिस ग्रास लैंड एज पेस्चर्स टू फीड दी हिज लाइफ स्टॉक व्हेन ही बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड बिकेम पेस्टोरलिस्ट
इन एंशियंट टाइम्स। आपको पता है कि भेड़ बकरी ये सब क्या खाती हैं? घास खाती हैं। तो घास जहाँ पे होगी वहाँ पे ये सारे जानवर भी पाए जाते हैं। ग्रासलैंड के टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे नाम देते हैं हिमालयन पेस्चर बेल्ट, इट एक्सटेंड अप टू द स्नो लाइन, बर्फ की जहाँ पे शुरुआत होती है ना वहाँ तक ये फैले होते हैं। द ग्रासलैंड्स एट अ लोअर लेवल फॉर्म पैचेस अलोंग विद कॉनिफोरियस कॉनिफेरस एंड ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट। हिमालयन वाइल्ड लाइफ रिक्वायर बोथ द फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड इकोसिस्टम एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर हैबिटेट। तो हिमालय की वाइल्ड लाइफ जो हमारे बड़े बड़े आपके जो लेपर्ड वगैरह पाए जाएंगे या फिर जंगली आपके जंगली भालू पाए जाएंगे, उन सबको फॉरेस्ट भी चाहिए और ग्रास लैंड भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। द तेराई, पहले का नाम है हिमालयन पेस्चर बेल्ट, उसका है तेराई। द तेराई कंसिस्ट ऑफ पैचेस टू ऑफ टॉल ग्रास लैंड इंटरस्पर्स्ड विद अ सॉल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तेराई में क्या होता है, बड़े बड़ी ग्रासेस होती है, थोड़ी बड़ी बड़ी घास उगती है। आप कभी मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं कहाँ कहाँ घूमे होंगे, मैं भी उस जगह नहीं घूमा, मैंने सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो में देखा है। खजियार देखा होगा आपने, नाम सुना होगा खजियार, और बड़े बड़े देवदार के वृक्ष वृक्ष हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े 5-5, 6-6 मीटर से ऊपर के पेड़ होते हैं, लेकिन वो क्या है, सब ग्रास लैंड है, लेकिन वो तेराई का हिस्सा हो जाता है। तो द पैचेज ऑफ टॉल एलिफेंट ग्रास विच ग्रोज टू अ हाइट ऑफ अबाउट 5 मीटर्स आर लोकेटेड इन द लो लाइंग वाटर लॉजिड एरियाज। द सेल फॉरेस्ट पैचेज कवर द एलिवेटेड रीजन एंड द हिमालयन फुट हिल्स। द तेराई ऑल्सो इंक्लूड्स मार्शेज इन लो लाइंग डिप्रेशंस। ठीक है, चलिए इसके बारे में तेराई हो गया। फिर आता है सेमी एरिड प्लेन्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन। अब सेमी एरिड है ये, आर कवर्ड बाय ग्रास लैंड ट्रैक्स विच विद पैचेज ऑफ थोर्न फॉरेस्ट। यहाँ पे जंगली पौधे मतलब ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे कांटे ऐसे आपके जंगल उगे हुए हैं। सेवरल मैमल सच एज द वॉल्फ, वॉल्फ मालूम है ना, द ब्लैक बक, द चिंकारा एंड बर्ड सच एज द बस्टर्ड्स एंड फ्लोरिकेंस आर अडोप्टेड अडेप्टेड टू दीज एंड एरिड कंडीशंस। तो यहाँ पे जितने ये नाम के आपके जंगली जानवर हैं या इस तरह की बर्ड्स हैं, ब्लैक बर्ड बस्टर्ड नाम की, ये सब यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छे से रह पाते हैं। द स्क्रब लैंड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर कवर्ड विद सीजनल ग्रासेस एंड हर्ब्स ऑन विच इट्स फोना इज डिपेंडेंट। आपको फ्लोरा एंड फोना सुना है आपने? फ्लोरा एंड फोना, फोना क्या होता है? एनिमल्स। फ्लोरा क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट इज टीमिंग विद इंसेक्ट्स लाइफ ऑन विच द इंसेक्टिवोरियस बर्ड्स फीड। देखो आपने नाम पढ़ा होगा हर्बीवोरस, एक पढ़ा था कार्निवोरस, एक होता है इंसेक्टिवोरियस। इंटेक्सिवोरस क्या होता है? इंसेक्टिवोरस होता है वो जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कोई छिपलियाँ, देखिए छिपलियाँ कीड़े खाती हैं, मेंढक खाता है, ये सब चीज़ों की जीभ निकलती है और ये खा लेते हैं, तो कीड़े खाते हैं ये लोग। इवन आपने वो नाम सुना है ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच भी कीड़े खाता है, छोटे छोटे कीड़े जो हवा में उड़ रहे हैं उनको खा जाता है पकड़ पकड़ के। शोला ग्रास लैंड, शोला ग्रास लैंड कंसिस्ट ऑफ पैचेज ऑन हिल स्लोप्स अलॉन्ग विद द शोला फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी एंड अनमलाई रेंजेस। द फॉर्म्स दिस फॉर्म्स अ पैच वर्क ऑफ ग्रास लैंड ऑन द स्लोप्स एंड फॉरेस्ट हैबिटेट अलॉन्ग द स्ट्रीम्स एंड लोइंग एरियाज। मैं आपको बहुत डीप में नहीं समझाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश ऐसे करना, आप कभी पहाड़ों पे घूमने जाते हो ना अगर, या आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो आप देखोगे स्लोप के अंदर ना ग्रासेस बनी होती हैं, स्लोप होते हैं, नीचे से ऊपर ऐसा लगता है स्टेयर केस में कहीं काम चल रहा है, स्लोप स्लोप स्लोप। तो दो तरह से वैली आ रही है, एक बीच में आके खत्म हो रही है वैली खाई, और लेकिन इस तरह से भी घास आ रही है, इधर से भी घास आ रही है, इधर से ही पेड़ आ रहे हैं, इधर से ही पेड़ आ रहे हैं, और बीच में आके खत्म हो जाती है वैली। तो दैट बिकम शोला ग्रास लैंड। ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी में और अन्नमलाई रेंजेस में। Grasslands are not restricted only to low rainfall areas. Certain grassland type form where clearing are made in different forest types. Some are located in the highest steep hill slopes with patches of forest that occur along the streams and in depressions. चलिए आगे बढ़ते हैं। How are grassland used? अब grassland का use क्या है हमें? Grasslands are grazing areas of many rural communities. Farmers who keep cattle or goats are as well as shepherds who keep sheep are highly dependent on grasslands. अब देखो पता है भेड़ बकरी कहाँ चरेंगी? चरना बोलते हैं, चरना क्यों? क्योंकि वो घास को चरते हैं, खाते नहीं। Domestic animals are grazed in the common land of the village. Fodder is collected and stored to feed cattle when there is no grass left for them to graze in summers.
अगर ग्रेज हो मतलब क्या है कि आपको छोड़ दिया खुले मैदान में, जाओ और चारा खा के आओ, और वही चारे को हम इकट्ठा भी करके रखते हैं, जब समर्स होंगी तो वो सूख जाएगा, हम उस समय संभाल के रखेंगे ताकि उनको खिलाने के काम आएगा। ओवर ग्रेजिंग बाई ह्यूज हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक हैज डिग्रेडेड मैनी ग्रासलैंड्स। अब क्या होता है, वही चीज़ है ना, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, भेड़े बकरी बहुत ज़्यादा है, ग्रास कम उग रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो ओवर यूज हो जाएगा, ओवर ग्रेज हो जाएगा। ग्रास लैंड हैव डाइवर्स स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट दैट पोलिनेट क्रॉप्स। आप सोचो कितनी अच्छी सिस्टम बना रखे हैं हमारे देश, हमारे पूरे संसार के अंदर बनाने वाले ने भी, घास के ऊपर इंसेक्ट होंगे, जब भी उसमें कीड़े होंगे ना, उससे कोई ना कोई आके खा लेगा, कोई लेपर्ड आएगा, लिजर्ड खा लेगी, बर्ड खा लेंगी, नाम है एम्फीबिया सच एज फ्रॉग्स एंड टॉड्स, ये सब भी आके उन कीड़ों को खा लेंगे। जब उन कीड़ों को खा लेंगे तो क्या होगा, वो घास खराब नहीं होगी। अब अगर यही जानवर मर जाएंगे तो उन कीड़ों को कौन खाएगा? सोचो किस तरह से सृष्टि की रचना होती है कि हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। व्हाट आर द थ्रेट्स टू ग्रास लैंड इकोसिस्टम? अब थ्रेट्स क्या है? इन मैनी एरियाज ग्रास लैंड हैव बीन यूज फॉर सेंचुरीज बाई पोस्टोरल कम्युनिटीज। ओवर यूटिलाइजेशन एंड चेंजेस इन लैंड यूज ऑफ कॉमन ग्रेजिंग लैंड ऑफ रूरल कम्युनिटीज हैज लेड टू द डिग्रेडेशन। घास उगती थी, घास पे जाते थे, घास उगती थी, घास पे घूमते थे, अभी क्या, घास को सब लोग खा जाते हैं, जब खा गए तो खत्म हो गई, खाए भी नहीं तो रेनी सीजन मतलब डिप्रेशन के टाइम के लिए उठा के काट के रख ली, तो वहां पे क्या बचा, सिर्फ पहाड़ के ऊपर कुछ परतें बची रहती हैं कि हाँ कभी घास हुआ करती थी। अ मेजर थ्रेट टू नेचुरल ग्रासलैंड इज द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड इनटू इंटीग्रेटेड फार्मलैंड्स। अब कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि उस ग्रास लैंड को काट काट के काट काट के एग्रीकल्चर लैंड भी बना लिया कि है चलो हम इसके ऊपर तो ना कुछ खेती बाड़ी करेंगे। आफ्टर कंटिन्यूस इरीगेशन सच लैंड बिकम सेलाइन एंड यूजलेस इन फ्यू ईयर्स। मोर रिसेंटली मैनी ऑफ दीज रेजिडुअल ग्रास लैंड ट्रैक्ट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल एरियाज। अब जो ग्रास लैंड कई जो बचे हुए हैं जिसमें घास ही नहीं उगती, तो उस पर उठा के क्या किया, बिल्डिंग उठाई, बिल्डिंग बनाई, इंडस्ट्री बना दी, चलो ये प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन। ग्रास लैंड हैव अ लिमिटेड एबिलिटी टू सपोर्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत ही कम होता है ना, छोटी छोटी होती है ग्रास, कितनी वाइल्ड लाइफ को खाएंगे, कितना सपोर्ट करेंगे एनिमल्स को भी। इंक्रीजिंग दिस प्रेशर बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स रिड्यूसेस द नेचुरलनेस ऑफ द ग्रास लैंड इकोसिस्टम लीडिंग टू इट्स डिग्रेडेशन। तो उसकी जो अपनी स्वाभाविक नेचुरल ब्यूटी जो है ना, वो खत्म हो जाती है और वो अल्टीमेटली डिग्रेड हो जाता है। तो इसके बारे में आपको ऐसे पढ़ना है। तो वाई आर ओवर ग्रास लैंड स्पीसीज वेनिशिंग? अब ग्रास लैंड पर आने वाली स्पीसीज वो क्यों खत्म हो रही है? मोस्ट पीपल फील दैट इट इज ओनली अवर फॉरेस्ट एंड इट्स वाइल्ड लाइफ दैट इज डिसअपियरिंग। हाउएवर अदर नेचुरल इकोसिस्टम सच एज ग्रास लैंड आर डिसअपियरिंग इवन मोर रैपिडली। आपको पता है कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे घास नहीं उगती है, पहाड़ों पे चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, लेकिन जीवन तो है ही ना, हर जगह जीना है, लेकिन भाई घास आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आ जाएगी, छोटे छोटे स्पीसीज भी आ जाएंगे, सब चीज़ें आ जाएंगी। मैनी ऑफ द ग्रास लैंड स्पीसीज हैव डिसअपीयर फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया इन विच देवर फाउंड 50 और 60 ईयर्स अगो। 50 से 60 साल पहले वो पाए जाते थे, अब सिर्फ किताबों में नाम है उनके। द चीता इज एक्सटिंक्ट इन इंडिया। द वोल्फ इज नाउ हाईली थ्रेटन्ड। ब्लैकबक एंड चिंकारा आर पोस्ट फॉर मीट। बर्ड्स सच एज द ब्यूटिफुल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर वेनिशिंग। मतलब दिखते भी नहीं है, आपने कभी देखा कभी लोमड़ी को? नहीं देखा होगा, जू में चले जाओ आसपास तब भी दिखेगा आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हमने फिल्मों में देखा है, हमने यूट्यूब पे देखा है, हमने गूगल पे देखा है, लेकिन हमने एक्चुअल में नहीं देखा। जू में जाओगे तो आप बेचारे शेर को भी देखोगे ना, शेर बेचारा सोचता है कि मुझे यहाँ बांध दिया है, अगर खुला भी छोड़ दोगे तो शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। अनलेस ग्रास लैंड स्पीसीज आर प्रोटेक्टेड दे विल वैनिश फ्रॉम देयर श्रिंकिंग हैबिटेट। तो इनको बचाने की जिम्मेदारी हमें है। वॉट इफ अवर ग्रास लैंड डिसअपियर? अगर ग्रास लैंड खत्म होगी तो क्या होगा? इफ अवर ग्रास लैंड आर लॉस्ट वी विल लूज अ हाईली स्पेशलाइज इको सिस्टम इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स have been adapted to these habitat conditions over millions of years. Millions of years से रह रहे हैं एक तरह से, वो सब चीज़ें रहना खत्म हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने घर में आप रह रहे 10 साल से, अचानक से किसी और जगह जाना पड़ जाए, या अचानक से आपके घर में
वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाए जिसमें आप जीते थे, तो आप धीरे धीरे वैनिश कर जाओगे। ओके, सो हाउ कैन वी कंजर्व देम, हाउ कैन ग्रासलैंड इकोसिस्टम बी कंजर्व? अवेयरनेस, देखो सबसे बड़ी बात तो होती है अवेयरनेस, कितना हमें अवेयरनेस होगी हम उतना कम काम करेंगे गलत। ग्रासलैंड शुड नॉट बी ओवर ग्रेज्ड एंड एरियाज ऑफ द ग्रासलैंड शुड बी क्लोज्ड फॉर ग्रेजिंग। आपने देखा है कि आपके आसपास के अगर पार्क होते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं हम कि पार्क में फुटबॉल खेलना मना है। फुटबॉल ही खेलना मना क्यों होता है? कि फुटबॉल में सबसे ज्यादा आप ग्रास पे भागते हो और किक मारते टाइम ग्रास को भी तोड़ देते हो, तो हम उसके अंदर अवेयरनेस क्या है, घास पे फुटबॉल नहीं खेलने, कूद के मत जाओ, चलने के लिए घास का सहारा मत लो, साइड में आपके रास्ते बने हैं। क्यों? ये सब हम कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करने के लिए। इट इज़ बेटर टू कलेक्ट ग्रास फॉर स्टॉल फीडिंग कैटल। अ पार्ट ऑफ द ग्रास लैंड इन एन एरिया मस्ट बी क्लोज्ड एवरी ईयर सो दैट अ रेशनल ग्रेजिंग पैटर्न इज एस्टेब्लिश्ड। ऐसा मत करो कि भेड़ तू यहाँ चले जा, बकरी तू वहाँ चला जा, मैं यहाँ चला जाता हूँ, सब लोग खा लेंगे और मैं काट के भी ले आऊँगा, तो बचेगा कुछ नहीं। सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग कराओ, बाकी सारे को संभाल के रखो फ्यूचर के लिए। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना है? सर हमारा तो एग्जाम है हमारे एग्जाम है तो चलने दो ना। देयर इज अ नीड टू प्रिजर्व द फ्यू नेचुरल ग्रासलैंड एरिया दैट स्टिल सर्वाइव बाय क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डिफरेंट ग्रासलैंड्स। तो उसके अंदर आप ग्रासलैंड में आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो और नेशनल पार्क बना दो। एनिमल्स सच एज द वॉल्फ, ब्लैकबक, चिंकारा एंड बर्ड्स सच एज बस्टर्ड एंड फ्लोरिकेंस हैव नाउ बिकम रेयर ऑल ओवर द कंट्री। दे मस्ट बी केयरफुली प्रोटेक्टेड इन द फ्यू नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इवन आपको पता है बर्ड सेंचुरीज भी होती है ना, उसमें भी रख सकते हैं उन ग्रास लैंड। वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात क्या होती है अवेयरनेस, जानकारी ही सुरक्षा है दोस्तों पहली बात तो। वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग पीपल दैट ग्रास लैंड आर ऑफ ग्रेट वैल्यू। If we are all concerned about our disappearing grasslands and their wonderful wildlife, the government will be motivated to protect them. Next आता है दोस्तों हमारा grassland ecosystem के बाद desert ecosystem. Desert मतलब रेगिस्तान। Desert and semi-arid lands are highly specialized and sensitive ecosystem that are easily destroyed by human activities. पहली बात तो वहाँ घास ही नहीं होती, रेत ही रेत होती है। आपको पता है रेगिस्तान में तो कई जगह पानी भी नहीं होता, ओएसिस से काम चलाना पड़ता है। एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पानी मिलता है उसको ओएसिस बोलते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनको कैसे संभाला जाएगा, इनके बारे में क्या जानकारी मिलेगी, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। व्हाट इज डेजर्ट, डेजर्ट होता क्या है? सर फिल्मों में देखा था, दुबई में लोग जाते हैं, है ना। डेजर्ट्स एंड सेमी एरिड एरियाज आर लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द क्लाइमेट इन दीज वास्ट ट्रैक्स इज एक्सट्रीमली ड्राई, इतना ड्राई होता है दोस्तों आप मानेंगे नहीं, आपको पसीना भी नहीं आता, पसीना भी सूख जाता है आपका। देर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट सच एस लद्दाख, अब लद्दाख भी डेजर्ट ही है लेकिन वो कोल्ड डेजर्ट है। विच आर लोकेटेड इन द हाई प्लेटू ऑफ द हिमालयस। द मोस्ट ट्रॉपिक टिपिकल डेजर्ट लैंडस्केप दैट इज सीन इन राजस्थान इज द थार डेजर्ट। अब आप बोलो थार थार सहारा होता है, वैसे हमारे यहाँ पे थार डेजर्ट है। This has sand dunes, This has sand dunes. There are also areas covered with sparse grasses and few shrubs. झाड़ मिलते हैं लेकिन झाड़ पता कैसे होते हैं, सूखे सूखे से होते हैं। Which grow if it rains, लेकिन रेन तो होनी चाहिए। In most area of the Thar, the rainfall is scanty and sporadic. बहुत कम आती है, आती नहीं है, देखते रहते हैं ऊपर देख के। वो गाना था ना, बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा, ठीक है, वो लगान मूवी वगैरह था ना कि भगवान बारिश दे दो। इन एन एरिया इट मे रेन ओनली वंस एवरी फ्यू ईयर्स। इन द एडजॉइनिंग सेमी एरिड ट्रैक द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ फ्यू श्रब्स एंड थोड़नी ट्रीज, थोड़नी कांटों भरे पेड़ हैं सच एज खेर एंड बबूल। द ग्रेट एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ, आपको याद होगा डिस्कस किया था रन, कच्छ का रन आर हाईली स्पेशलाइज एंड एरिड इकोसिस्टम। इन द समर्स दे आर सिमिलर टू डेजर्ट लैंडस्केप, हाउएवर एज these are low lying areas near the sea, they get converted to salt marshes during the monsoons. लेकिन जैसे क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक में है तो जैसे ही मानसून आता है ये अपनी प्रवृत्ति थोड़ी बदल लेते हैं। During the period they attract an enormous number of aquatic birds such as, अब इसमें ना बहुत सारे migrating birds आते हैं जैसे ducks, geese,
cranes, storks, etc. The Great Run is famous as it is the only known breeding colony of greater and lesser flamingos in our country. Flamingo भी आते हैं यहाँ पे, इसको देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं. The Little Run of Kutch is the only home of the wild ass in India. How are desert and semi-arid ecosystem used? कैसे यूज करते हैं इसका हम? अब फिल्मों में कहोगे सर एक देश से दूसरी जगह जाने का काम आता है, वो फिल्मों में होता है, वैसे एक्चुअली यूज क्या है एनवायरमेंट के हिसाब से. एरियाज ऑफ स्कैंटी वेजिटेशन विद सेमी एरिड स्क्रम्ब लैंड हैव बीन यूज फॉर कैमल कैटल एंड गोट ग्रेजिंग एंड राजस्थान एंड गुजरात एंड फॉर शीप ग्रेजिंग फॉर डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू में तो हम भेड़ चराते हैं और राजस्थान और गुजरात के अंदर हम कैमल कैटल एंड गोट ग्रेजिंग करते हैं. What are the threats? इनमें threat क्या है सर? Several type of development strategies as well as human population growth have begun to affect the natural ecosystem of desert and semi-arid land. Conversion of these land through extensive irrigation system has changed several of the natural characteristics of the region. The canal water evaporates rapidly, bringing the salt to the surface. अब जमीन में नमक आता है तो पता क्या होता है? जमीन बंजर हो जाती है, soil खराब हो जाती है. The region becomes highly unproductive as it becomes saline. Saline मतलब नमकीन हो जाता है सारा. Pulling excessive ground water from the tube well. Okay. How can desert ecosystem be conserved? कैसे बचा सकते हैं इसको? सबसे बड़ी बात तो awareness है सर. Desert ecosystems are extremely sensitive. Their ecological balance that forms a habitat for their plant and animal is easily disturbed. Desert people have traditionally protected their meager water resources. The Bishnois in Rajasthan are known to have protected their Khesdi trees and the black buck antelope for several generations. मतलब एक कास्ट है बिश्नोईज की जिन्होंने राजस्थान के अंदर अपने खेजदी के ट्रीज बहुत बचा के रखे हैं, आज भी कंजर्व करते हैं वो. द ट्रेडिशन बिगेन व्हेन द रूलर ऑफ दिस ऑर्डर्ड हिज आर्मी टू कट डाउन ट्रीज फॉर हिज ओन यूज. सेवरल बिश्नोईज वर सेड टू हैव बीन किल्ड वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर ट्रीज. अपने ट्रीज को बचाने के लिए उसे चिपक के खड़े हो जाते थे ये लोग कि मारना है तो पहले हमें मार दो फिर ट्री को मार देना. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोटेक्ट रेजिडुअल पैचेज ऑफ द इकोसिस्टम विद इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डेजर्ट एंड सेमी एरिड एरियाज. तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे कैनाल वगैरह बनाए जाते हैं. इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान इज डिस्ट्रॉइंग द इम्पोर्टेंट नेचुरल एरिड इकोसिस्टम. ये जो कैनाल बनी थी उससे नुकसान हो रहा है हमारे डेजर्ट्स को. ये नहीं कि अब जाके आग लगा दो उसको, सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ लो, फिलहाल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही होगी. इन कच्छ एरियाज ऑफ द लिटिल रन विच इज द ओनली होम ऑफ द वाइल्ड लैंड्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्रेड ऑफ सॉल्ट वाटर. जैसे जैसे पानी, आप कितना नमक खाते हो ना बॉडी के अंदर, कितना नमक बर्दाश्त करोगे? आपकी बॉडी पे नमक कब आता है पता चलता है आपको? जब आपकी बॉडी पे आपने सर्दियों में अपनी स्किन के ऊपर ऐसे नेल्स मारो और वो वाइट हो रही हो स्किन, इसका मतलब पानी की कमी हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है सॉल्टी वाटर पे. ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम. ग्रासलैंड खत्म, डेजर्ट खत्म, अब आते हैं एक्वेटिक. सब में एक ही चीज़ बोल रहे हैं, ये क्या होते हैं, इसका क्या यूज़ है, इसको कैसे बचा सकते हैं और इसको हम, इससे क्या खतरा है और इसको हम कैसे बचा सकते हैं. अब एक्वेटिक सिस्टम में हमारे पास बहुत सारी वैरायटी आएगी. एक्वा मतलब पानी, पता है एक्वा विना, सुना ना एक्वा वाटर, एक्वा फ्रेश. सो एक्वा मतलब पानी. द एक्वेटिक इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट द मैराइन एनवायरनमेंट ऑफ द सी एंड द फ्रेश वाटर सिस्टम इन लेक्स रिवर्स पॉन्ड वेटलैंड्स. दिस इकोसिस्टम प्रोवाइड ह्यूमन बीइंग विद अ वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इतने मिनरल होते हैं, इतने विटामिन, इतने न्यूट्रिशन, इतने और किसी जगह नहीं होते. दे प्रोवाइड गुड्स दैट प्रोटेक्ट दैट पीपल कलेक्ट फॉर फूड सच एज फिश एंड क्रस्टेशियंस. मतलब इस तरह से सी फूड है हमारा ये. कई लोग सी फूड खाते हैं ना, मैं नहीं खाता इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ. कई लोग खाते हैं तो वो फिश भी खाते हैं, ऑक्टोपस तक खा जाते हैं कई लोग तो. ऑक्टोपस क्या खाते हैं, क्रैम्स क्या खाते हैं, प्रॉन्स खाते हैं, कई चीज़ों का नाम भी नहीं पता मुझे. नेचुरल एक्वेटिक सिस्टम सच एज रिवर्स एंड सी ब्रेक डाउन केमिकल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएटेड बाय मैन. आपको पता है कि हमारी गंगा यमुना सरस्वती वगैरह में आज की डेट में पानी भी है और पोल्यूशन बहुत है. बेचारा एक बंदा आगे घाट पे पानी जय संतोषी माँ जय गंगे कर रहा है और पीछे से बैठ के कोई बंदा कपड़े धो रहा है, उसका साबुन भी वहाँ पे आ रहा है.
अब तो खैर बहुत कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, लेकिन होता है क्या कर सकते हो आप, ना सिर्फ गंदगी आती है, कभी कभी लाशें भी आती है ना, कोई बंदा डेड हो गया उसकी उसको बहा दिया गया। आपको पता है हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को दफनाते नहीं, मारते नहीं है, उनको पानी में बहा देते हैं। अब बेचारा कोई पूजा कर रहा है उसके हाथ में आ गई उसकी बॉडी, क्या करोगे आप। हाउएवर दिस फंक्शन हैज़ लिमिटेशन एज द एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन नॉट हैंडल ग्रेट अपॉर्ट क्वान्टिटीज ऑफ वेस्ट बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयज दिस नेचुरल फंक्शन। हम आजकल कितना आता ना पढ़ते हैं, कितना देखते हैं, प्लास्टिक को रोको, प्लास्टिक को रोको, पानी में जाके तो पानी में भी जाएगा तो भी वो पानी की क्वालिटी खराब कर रहा है। इफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर मिसयूज्ड और ओवर यूटिलाइज द एबिलिटी टू प्रोवाइड रिसोर्सेज सफर्स इन द लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म में आपको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। ओवर फिशिंग लीड टू फॉल इन द फिश कैच। अब फिशेज भी नहीं बचेंगी सारी तो आप ले लोगे यार। रिवर कोर्सेज दैट आर चेंज बाय डैम्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर। अब रिवर डैम बना दिया बड़े 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 बड़े, अब वहाँ पानी नहीं आता लोगों के पास, हम छोड़ेंगे धीरे धीरे पानी छोड़ेंगे, और डेली यूज के लिए उनके पास पानी कम रह गया। सो वाटर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑल ओवर इको सिस्टम। सेवरल इको सिस्टम एग्जिस्ट इन फ्रेश वाटर एंड मैरिन सॉल्ट वाटर। तो वॉट इज एक्वेटिक सिस्टम? इन एक्वेटिक सिस्टम्स प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर। दीज स्पीसीज आर अडेप्टेड टू लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। बहुत अलग अलग जाति प्रजातियों के होते हैं। द स्पेशल एबायोटिक फीचर्स आर इट्स फिजिकल एस्पेक्ट सच एज द क्वालिटी ऑफ द वाटर विच इंक्लूड्स इट्स क्लैरिटी, सैलिनिटी, सैलिनिटी मतलब थोड़ा सा सलाइन मतलब सॉल्टी वाटर जैसा, ऑक्सीजन कंटेंट एंड रेट ऑफ फ्लो। आपको पता है हम नमक नहीं खा सकते अगर समुद्र ना हो तो, क्योंकि समुद्र के पानी ऊपर आके नमक छोड़ के जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मे बी क्लासिफाइड एज बींग स्टैगनेंट इकोसिस्टम और रनिंग वाटर इकोसिस्टम। स्टैगनेंट मतलब खड़ा पानी। खड़ा पानी कहाँ का होता है? झील में होता है, तालाब में होता है। रनिंग वाटर कहाँ पे होता है? स्ट्रीम में होता है, रिवर्स में होता है, ओशन में होता है। समझ रहे हैं? ये तरीका होता है बताने का। द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर के भी होते हैं, ब्रैकिश भी होते हैं, एंड मैरिन इकोसिस्टम विच आर बेस्ड ऑन सैलिनिटी लेवल्स। सॉल्ट का लेवल कहाँ कहाँ कम से ज़्यादा है उसको हम तीन चीज़ों में बांटते हैं। आप मानेंगे दोस्त, आपको लगेगा हंसने वाली बात है कि मैंने सबसे, हमें क्या होता है, मुझे आदत है, जैसे रिवर में गए मुंह धो लिया, रिवर में गए मुंह धो लिया, गंगा देखी मुंह धोया, सरस्वती देखी मुंह धोया, प्रयाग गया मैंने वहाँ भी मुंह धोया, तो मैंने एक बार समुद्र पे गया मैंने उससे ही मुंह धो लिया ऐसा मुंह धोया आधे घंटे तक नॉर्मल पानी से मुंह धोना पड़ा। एक बार मुंह धोते पूरी बॉडी पे पूरे फेस पे नमक ही नमक, नमक ही नमक, तो क्या हो गया वो, दैट इज मैरिन इकोसिस्टम। उससे क्यों खेल रहे हो यार, पानी में नमक है क्या? आपके पानी में नमक है? अगर नहीं है तो फ्रेश वाटर है, अगर है तो मैराइन इकोसिस्टम है। द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम दैट हैव रनिंग वाटर आर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, पॉन्ड टैंक एंड लेक्स आर इकोसिस्टम वेयर वाटर डज नॉट फ्लो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, हमने एक टेबल जैसे आपने डेजर्ट्स के लिए देखी थी वैसी एक टेबल छोटी सी यहाँ पर है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम, फ्लोइंग वाटर, स्टिल वाटर, ब्रैकिश वाटर, सेलाइन वाटर। कहाँ मिलते हैं? फ्लोइंग वाटर कहाँ मिलता है? स्ट्रीम में, झरनों में या रिवर्स में, नदियों में। स्टिल वाटर कहाँ मिलेगा? पॉन्ड में, वेटलैंड में, लेक्स में, ये पता है आपको। ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलेगा? डेल्टास में। डेल्टा पता है ना आपको, तो डेल्टास के अंदर मिलेगा ब्रैकिश वाटर, वहाँ पर नॉर्मली लोग जाते हैं ना इसलिए पता चलता है नहीं। सेलाइन वाटर कहाँ मिलेगा? कोस्टल में, शैलोज में, कोरल में या डीप ओशन में, नमक का पानी, एकदम नमक का पानी, लहरें उठेंगी सीधा मुंह पे, पचाक पानी आया, कौन सा आया? नमक का पानी। पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब कैसा होता है? पॉन्ड इज द सिंपलेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम टू ऑब्जर्व। देयर आर डिफरेंसेस इन पॉन्ड दैट आर टेम्पररी, दैट इज टेम्पररी एंड हैज वाटर ओनली इन द मॉनसून, एंड लार्जर टैंक और लेक दैट इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम थ्रू आउट द ईयर। आप में से कई लोगों ने तालाब देखे होंगे, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं जिसमें हम लोटस भी उगते हैं कभी छोटे छोटे। मोस्ट पॉन्ड्स बिकम ड्राई आफ्टर द रेन्स आर ओवर एंड आर कवर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। तो अगर बारिश खत्म तो वो सूख जाते हैं पॉन्ड्स, बारिश आई फिर से पॉन्ड बन जाएंगे। होता कुछ नहीं है, गड्ढे होते हैं छोटे छोटे से, एक छोटे छोटे पैच पे गड्ढे होते हैं, वो गड्ढे भर जाते हैं तो तालाब बन जाते हैं, वो गड्ढे सूख जाते हैं तो तालाब खत्म हो जाता है। As the pond fills in the monsoon, a large number of food chains are formed. Algae is eaten by microscopic animals, which are in turn eaten by small fish,
ऑन विच लार्जर कार्निवरस फिश डिपेंड्स। ठीक है ना, वहां तो एनिमल्स की बातें करेंगे ना इस तरह के। दीज आर इन टर्न ईटन बाय बर्ड्स सच एज किंग फिशर्स, हीरोन्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे। एक्वेटिक इंसेक्ट वॉर्म्स एंड स्नेल्स फीड ऑन द वेस्ट मटीरियल एक्सर्टेड बाय एनिमल्स एंड द डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। मतलब वही चीज ना, जंगली पौधों को कोई और खाएगा, उनको कोई और खाएगा, उनको कोई और खाएगा। इकोसिस्टम तो वही है ना, कि मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं बैठा, मेरे को कोई और यूज करेगा, मैं किसी और को यूज करूंगा, ऐसे चलती रहेगी इकोसिस्टम खाने के लिए। दे एक्ट ऑन द डेट्रियस डेट्रिटस विच इज ब्रोकन डाउन इन टू न्यूट्रिएंट्स विच एक्वेटिक प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, दस कंप्लीटिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल इन द पॉन्ड। आप कई बार ना, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं रिवर्स के आसपास, जिसको अगर आप मुंह में रख के चबाओगे ना बाई चांस, पहले पूछ लेना कि जहरीले ना हो, अगर आप चबाओगे तो आपको मीठे मीठे स्वाद आता है उसके अंदर से। कुछ ऐसे फूल होते हैं, उनको आप लेके ना मुंह में उसके पीछे से अगर थोड़ा सा उसको च्यू करोगे ना, तो आपको मीठे मीठे शहद जैसा टेस्ट आता है, क्योंकि नेचुरली उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वो सब कुछ। लेक इकोसिस्टम क्या होता है? लेक इकोसिस्टम फंक्शन लाइक अ जायंट परमानेंट पॉन्ड। आपने नाम सुना होगा, नैनीताल में झील है, चंडीगढ़ में झील है, झरना नहीं है झील है। इतना बड़ा बड़ा पॉन्ड होता है, पॉन्ड ही है लेकिन छोटा नहीं है, इतना बड़ा है कि परमानेंट है वो। लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स प्लांट्स मटीरियल इज एट एल्गी इज द एल्गी विच डिराइव एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस इज ट्रांसफर्ड टू द माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स विच फीड ऑन द एल्गी। मतलब एल्गी को कौन खाएगा? फिश एनिमल्स खाएंगे माइक्रोस्कोपिक, उन्हें कौन खाएगा? फिश खाएगी। फिश को कौन खाएगा? कार्निवरस फिश खा लेगी। कार्निवरस फिश को कौन खाएगा? उनकी स्पेशलाइज कोई कैट फिश वगैरह होंगी, वो खा जाएंगी। तो एक तरह से इकोसिस्टम चलता रहता है। तो एनर्जी साइकिल थ्रू द लेक इकोसिस्टम फ्रॉम द सनलाइट दैट पेनिट्रेट्स द वाटर सर्फेस टू द प्लांट्स, फ्रॉम प्लांट्स एनर्जी इज ट्रांसफर टू हर्बीवरस एनिमल्स एंड देन कार्निवरस। मतलब पहले फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर, देन सेकेंड लेवल कंज्यूमर्स। स्ट्रीम एंड रिवर इकोसिस्टम। स्ट्रीम मतलब झरने, आपने पहाड़ों पे से देखा होगा ना, बहुत सुंदर सुंदर झरने होते हैं। मैं तो उन सब बच्चों से पूछता हूँ मैं, कि अगर आप ऐसी जगह रहते हो तो बताना मुझे यार, कि आप, मैं ऐसी जगह कौन सी जगह रहता हूँ जहाँ मेरे झरने बहते हैं बहुत अच्छे अच्छे हाईवेज के ऊपर से दिखते हैं सर, बड़ा मज़ा आता है। टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और झरनों की फोटो खींच के अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग करने वाटर है, इन विच द ऑल लिविंग फॉर्म्स आर स्पेशली अडेप्टेड टू डिफरेंट रेट्स ऑफ फ्लो। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज स्नेल्स एंड अदर सॉरी बरोइंग एनिमल्स कैन विदस्टैंड द रैपिड फ्लो ऑफ द हिल स्ट्रीम। आप झरनों के पास खड़े नहीं हो सकते दोस्त, खुद भी नहीं खड़े हो सकते। अदर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज वाटर बीटल्स, कैटर्स कैन लिव ओनली इन स्लोअर मूविंग वाटर। कुछ ऐसे होंगे जो हल्की गति के पानी में रुक सकते हैं, कुछ होंगे जो बड़ी तेज पानी की गति में रुक सकते हैं, और कुछ होते हैं सिर्फ ठंड रुके हुए पानी में रुक सकते हैं। सम स्पीसीज ऑफ फिश सच एज महसीर गो अपस्ट्रीम फ्रॉम रिवर्स टू हिल स्ट्रीम फॉर ब्रीडिंग। मतलब बच्चे पैदा करने के लिए वो छोटे से हिल स्ट्रीम पे जाते हैं। दे नीड क्रिस्टल क्लियर वाटर टू बी एबल टू ब्रीड। एज डिफोरेस्टेशन अकर इन द हिल्स द वाटर इज द स्ट्रीम दैट वंस फ्लो थ्रू आउट द ईयर बिकम सीजनल। जैसे जैसे पेड़ काटते चले जाओगे वैसे वैसे पानी का फ्लो भी कम होता चला जाएगा। ओके, द कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब फूल पत्ती और जानवर, ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर डिपेंड ऑन द क्लैरिटी फ्लो एंड ऑक्सीजन कंटेंट एज वेल एज द नेचर ऑफ देयर बेड्स। कभी जाओगे ना उत्तराखंड में ऋषिकेश वगैरह घूमने जाओगे, तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों जगह से गंगा की रिवर बहती है, तो आप क्या करना, ऋषिकेश में ना उनको बोलना मुझे बोट पे घूम के आना है, तो ऋषिकेश की गंगा में ऐसा लगेगा जैसे आप किसी झील में घूम रहे हो। बहुत स्लो स्ट्रीम होता है, बहुत स्लो, धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर हरिद्वार की गंगा के सामने बैठोगे ना तो वो बड़ी तेज तेज जा रहा है, क्यों? सिर्फ फर्क क्या है प्लेन्स का, वहाँ थोड़ा सा बहुत लंबा पैच ऐसा है जो कि ना एक स्ट्रेट पैच है, गहरा पूरा है वो, गंगा पूरी गहरी है बिल्कुल वो, लेकिन वो स्लो स्लो चलता है, तो आपको डर लगेगा कि गिर गए तो गिर गए तो गिर गए तो वहां पे होगा डर के लगता है, बह गए तो बह गए तो बह गए तो फिर डर क्या, दोनों जगह डर है, लेकिन आपने आपको ध्यान रख के अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रेनर्स आपको वहां जाना चाहिए। द स्ट्रीम और रिवर कैन बी स्टैंडी रॉकी और मडी बेड, ईच टाइप हैविंग इट्स ओन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई जगह बहुत सारे पत्थर होते हैं, कई जगह रेत होता है, कई जगह मडी होता है,
कीचड़ होता है और कई जगह पे कुछ भी हो सकता है, और हर जगह अलग अलग तरीके के आपको पेड़ पौधे मिलते हैं। मैराइन इकोसिस्टम, इन द इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल कंस्टिट्यूट द मैराइन इकोसिस्टम। बताते हैं समुद्र, जहाँ समुद्र है वो मैराइन है। अराउंड पेनिसुलर इंडिया, इन द कोस्टल एरिया द सी इज शेलो वाइल फर्दर अवे इट इज डीप। बोथ दीज आर डिफरेंट इकोसिस्टम। अब अगर कोस्ट पे जाते हो, गोवा जाओ, बीचेस पे जाओ, तो आप एकदम थोड़े डूब जाते हो पानी में जाके, करीबन करीबन आधा किलोमीटर तक आप खड़े रह सकते हो पानी के अंदर, लेकिन उसके बाद अचानक से कहेगा अरे धरती गायब हो गई, आप नीचे, क्योंकि कोस्टल एरिया के अंदर थोड़ा सा शेलो होता है, बाकी बहुत डीप होता है। ओके, देर आर मिलियंस ऑफ, देखो मिलियंस ऑफ जू प्लैंकटॉन एंड लार्ज वैरायटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और विच इन वन विच लाइव फिश, टर्टल्स एंड मैराइन मैमल्स। मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत ऐसी ऐसी वैरायटी दिखेगी आपको, टर्टल्स दिखेंगे आपको, टोर्टोइस तो कम दिखते हैं, टर्टल बहुत दिखते हैं, मैमल दिखते हैं मैराइन के, जो कि आप कहोगे यार मैंने पहली बार कभी देखे नहीं जिंदगी में इसको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी ऐसी जगह वाटर पार्क जाना पड़ेगा जहाँ पे उनके बारे में वो डिस्प्ले दिखाते हैं, एक्वेरियम जिसको बोलते हैं, एक्वेरियम में दिखेंगे वो सारे। द शेलो एरिया नियर कच्छ एंड अराउंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सम ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड। कोरल रीफ्स आर ओनली सेकेंड टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन देयर रिचनेस ऑफ स्पीसीज। तो जो कोरल रीफ्स हैं इनमें स्पीसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फिश, क्रस्टेशिया, स्टार फिश, जेली फिश एंड द पॉलिप्स दैट डिपॉजिट द कोरल आर अ फ्यू ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज। थाउजेंड मतलब हजारों में से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो आपको नाम याद भी हैं, दैट फॉर्म दिस इनक्रेडिबल वर्ल्ड अंडर द शेलो सी। सो डिफॉरेस्टेशन ऑफ एडजेसेंट मैंग्रोव लीड्स टू सिल्ट बींग कैरिड आउट टू सी वेयर इट इज डिपॉजिटेड इन द कोरल विच दे डाई विच देन डाइज। अगर उस तक कोरल तक नहीं पहुंचेगी वो चीजें डिपॉजिटरीज, तो वो मर जाएंगे। द मैराइन इकोसिस्टम इज यूज बाय कोस्टल फिश फोक फॉर फिशिंग विच फॉर्म देयर लाइवलीहुड। जो हमारे मछुआरे होते हैं उनका काम होता है। इन द पास्ट फिशिंग वॉज डन एट ए सस्टेनेबल लेवल, द मैराइन इकोसिस्टम कंटिन्यूड टू मेंटेन इट्स अबंडेंट सप्लाई ऑफ फिश ओवर मैनी जनरेशन। कभी गूगल सर्च करोगे ना, एक ऐसी शिप का एग्जाम्पल देखा था मैंने बाई चांस, एक एक शॉट में कम से कम हजार हजार मछली पकड़ रहे थे, पता नहीं क्या क्या वैरायटी थी वो, लेकिन वो भी तो खत्म कर रहे हैं ना अंदर स्पीसीज को। सी शोर इकोसिस्टम, बीचेस कैन बी स्टैंडी, रॉकी, शेल कवर्ड और मडी। ऑन ईच ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स देयर आर सेवरल स्पेसिफिक स्पीसीज विच हैव इवॉल्व टू ऑक्यूपाई सेपरेट निश। देयर आर डिफरेंट क्रस्टेशियस सच एज क्रैब्स, क्रैब्स सुना क्रैब्स, दैट मेक होल्स इन द सैंड। मुझे अच्छे से याद है एक बीच के ऊपर हम लोग गए हुए थे, तो बीच में से अचानक से मिलोगा बीच पे जाएंगे मजा आएगा, बीच की तरफ भागे और फिर बीच से वापस भागे, वो आसपास देखो इतने छेदों में से, इतने छोटे छोटे छेदों में से ना क्रैब्स निकल निकल के भागने शुरू हो गए। कम से कम 100-150 क्रैब्स थे, और मैं और मतलब फैमिली अकेले हम लोग भाग रहे हैं वहाँ से। क्रैब चढ़ गया तो हमारा क्या करेंगे हम, ना हम उसको पका सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना हमें उसको पकड़ना आता है, डर भी लगता है। वेरियस शोर बर्ड्स फीड ऑन देयर प्रे बाय प्रोबिंग इन टू द सैंड और मड इन द सी शोर। तो ये हमारे पास सब चीज़ें बताई गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स मैराइन के जो एक्वेटिक है। हाउ आर एक्वेटिक सिस्टम यूज, क्यों यूज करते हैं यार, पानी में से मछली भी निकालते हो, अलग अलग स्पीसीज भी निकालते हो, सबसे नीचे जाओ मोती भी निकालते हो आप समुद्र में से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनमें आप यूज़ करते हो, और उसी पानी को आप फिल्टर कर करके पीते भी हैं कई कंट्रीज के अंदर। मॉडर्न मैन इम्पोन्स वाटर इन डैम्स टू बी एबल टू स्टोर इट थ्रू आउट द ईयर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर हाईली डिपेंडेंट ऑन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नदियों के आसपास हमने डैम बना दिए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर पाएँ, एग्रीकल्चर के लिए फ्लो दे पाएँ। तो इसमें हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे लेक हो, चाहे पॉन्ड हो, इन सब का अपनी अपनी जगह पर क्या यूज़ होता है। तो इनको खतरा कहाँ पे है सर, खतरा इनसे नहीं है, खतरा है पेड़ काटोगे तो बारिश कैसे होगी। वाटर पोल्यूशन अकर्स फ्यू फ्रॉम सीवेज एंड पुअरली मैनेज सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज व्हेन इट एंटर्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। आप कभी सर्च करो ना वाटर पोल्यूशन इन रिवर्स एंड ऑल, आप देखोगे इंडस्ट्री का इतना काला काला पानी, गंदा गंदा पानी, ह्यूमन वेस्ट सब नालियों में, झरनों में सब डाल रहे हैं लोग। अल्टीमेटली किसको मिलेगा, अल्टीमेटली हम सबको वापस मिलेगा वो गंदगी। सीवेज लीड्स टू अ प्रोसेस कॉल्ड
यूट्रोफिकेशन, सीवेज लीड्स टू अ प्रोसेस कॉल्ड यूट्रोफिकेशन विच डिस्ट्रॉयज लाइफ इन द वॉटर एज द ऑक्सीजन कंटेंट इज सेवरली रिड्यूस। आप खुद सोचो ना यार, सीवेज के थ्रू, गटर्स वगैरह के थ्रू, नालों के थ्रू हमारे केमिकल्स जितने भी हैं वो नालों में जाएंगे, झरनों में जाएंगे, सी में, मैराइन में, पॉन्ड में, लेक में जाएंगे। अल्टीमेटली कौन मरेगा? वहाँ पे रहने वाले सारे जीव जंतु, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फिश एंड क्रोशिया कैन नॉट ब्रीथ एंड आर किल्ड। अ फाउल ऑडर इज प्रोड्यूस्ड, इतनी गंदी महक आती है उसमें से। ग्रेजुअली द नेचुरल फ्लोरा एंड फौना ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड। तो हम कैसे बचा सकते हैं इनको, कैसे कंजर्व करें? पहली बात तो देखो, आपस की बात है, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ घूमने जाते हो ना यार, अपने साथ प्लास्टिक लेके मत जाओ पहले तो, और अगर लेके जाते हो ना तो जो लेके जाते हो वापस भी लेकर आ जाओ, हार्डली मैटर्स। एक थैली लेके जाओ, उस थैली में से सारा कूड़ा जो आपने डाला है उसी में डालो, और वापस आते थे डस्टबिन में डालो या अपने घर ही लेके डस्टबिन डाल दो, वहाँ डाल के मत आओ जहाँ पानी एकदम आएगा और पानी उसको लेके चला जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है चिप्स खाएंगे पैकेट पानी में, कुछ भी खा रहे हैं पानी में, कुछ भी खाया पानी में। बोटल स्लीप, छोटा था मुझे अच्छे से याद है, मुझे भी शौक था लोगों को देख देख के, पेप्सी की बोतल पी ली, अब खाई में फेंकूंगा दूर से, ये पानी में फेंकूंगा दूर से। मैं भूल, मुझे तो नहीं बताया गया, छोटा था मैं तो, ये मत करो गलत होता है। कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया मैं नहीं करता, अपनी फैमिली को भी रोकता हूँ तो आपको भी रोक सकता हूँ ना। वाटर पोल्यूशन मस्ट बी प्रिवेंटेड, इट डज नॉट मेक सेंस टू अलाउ वाटर टू बी पोल्यूटेड एंड देन ट्राई टू क्लीन अप। पहले गंदा करो चीज को, बाद में साफ करेंगे, ये तो गलत है ना यार, पहले साफ रखो। चेंजिंग द नेचर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रॉम अ फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम टू अ स्टैटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयज इट्स नेचुरल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर आपने किसी बहते हुए झरने को रोक के उसको खड़ा कर दिया तो उसकी अपनी क्वालिटी सारी खराब हो जाती है। इसलिए डैम्स अक्रॉस रिवर डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट रिक्वायर रनिंग वाटर। तो अगर आपने हर जगह डैम बनाने शुरू कर दिया तो डैम बनने से जो फ्लो पानी किसके स्पीसीज पैदा होती हैं वो होनी बंद हो जाएंगी, तो हमें उनको रोकना चाहिए। एक्वेटिक इकोसिस्टम स्पेशली वेटलैंड्स नीड प्रोटेक्शन बाई इंक्लूडिंग डैम इन सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स इन द सेम वे इन विच वी प्रोटेक्ट नेचुरल फॉरेस्ट। दीज सेंचुरीज इन एक्वेटिक इकोसिस्टम प्रोटेक्ट अ वराइटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ एज वेल एज रेयर फिश विच आर नाउ हाईली एंडेंजर्ड सच एज महसीर। ये नाम ही आप पहली बार सुन रहे होंगे, एक तरह की मछली होती है जो हमने बहुत ही कम देखी है, कभी गूगल सर्च करना आपको दिख जाएगा साइज वगैरह कितना होता है इसका। वेटलैंड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स आर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड ऑफ अवर इकोसिस्टम। सो आपने करना क्या दोस्तों, ये चैप्टर आज खत्म होता है हमारा, इसका नाम था इकोसिस्टम। इसमें आपने जितना कुछ पढ़ा है इन सबको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मेरी कोशिश थी आपको समझाने की एक बार, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हम एक बार में नहीं समझते अपने आप, डर लगता है पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। तो कंसेप्ट सीखो, उसका स्ट्रक्चर समझो, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या है, डिकम्पोजर क्या होते हैं, मतलब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, कंज्यूमर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेवल हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, एंड डिकम्पोजर हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक और जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं, सब चीज़ें। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, कहाँ कहाँ से एनर्जी आती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, फूड चेन्स क्या है, वेब क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, इनमें क्या पढ़ना है आपको, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, इनके ऊपर क्या खतरा है, और इनको हम कैसे बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, और सिर्फ आपसे क्या चाहता हूँ मैं, अपनी फीस का नाम है सब्सक्राइब द चैनल, और दोस्तों को शेयर करते चले जाए, और बेल आइकन दबा दो। आपके रिलेटेड टॉपिक आएगा तो आपको मिल जाएगा, कोई और सब्जेक्ट का आएगा, अगर आप EVS पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं पढ़ते तो इनकम टैक्स का आएगा, तो किसी और को दे देना। जो भी टॉपिक आएगा आएगा स्टूडेंट्स के लिए ही दोस्तों, और या कुछ जनरल बातें आएंगी तो वो सबके लिए होती है। जनरल बातें सबको शेयर किया करो, जो सब्जेक्ट वाली है वो जिस किसी को चाहिए वहाँ पर शेयर कर दो, ना सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर किया करो बल्कि अपने फेसबुक वगैरह पर भी आप कर सकते हो, ताकि जो लोग आपको जानते हैं उनको भी मिले कुछ, हाँ चैनल अच्छा चल रहा है, बच्चों के हिसाब से काम चल रहा है और लगातार चल रहा है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।